हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पे। मैं आपका टीचर मेंटर पीयूष महेश्वरी लेके आया हूँ आज एक और नया टॉपिक, जो कि हम KVPY के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, KVPY क्रैश कोर्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं दोस्तों। और आज हम डिस्कस करेंगे हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट से चालू करेंगे और फिर उसके बाद में आगे ऑक्सी एसिड के बाद में ऑक्सी सॉल्ट्स की बात करेंगे, ऑक्साइड्स की बात करेंगे। तो बहुत सारे हीटिंग रिएक्शंस हैं जो कि अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। KMnO4 का हीटिंग, K2Cr27 का हीटिंग, सब हीटिंग अपन यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि काफ़ी सारी फैकल्टीज जो है वो अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पे पढ़ा रही हैं, ठीक है ना। सब एक्सपीरियंस फैकल्टी है, कोटा की फैकल्टी है, और जगह जगह टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद में अपना एक्सपीरियंस वो सब आप लोगों के लिए लेके आ रही हैं दोस्तों। तो डिसिप्लिन में रहें, कंसिस्टेंसी दिखाएं और सब्जेक्ट का मजा लें। सबसे बड़ी चीज़ है सब्जेक्ट का मजा लें। जो सब्जेक्ट आपको डिलीवर किया जा रहा है दोस्तों, वो ए क्लास सब्जेक्ट है, उसके अंदर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सब्जेक्ट थोड़ा कम दें, सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, मैं पीयूष महेश्वरी, सुबह तो मैं केमिकल बॉन्डिंग की 10 बजे क्लास ले रहा हूँ, शाम को KVPY का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके बाद में अपन जल्दी ही KVPY के पेपर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पिछले 10 सालों के, इसके बाद में अपन NSCC के करेंगे, NTSC के करेंगे, फिर JEE मेंस एडवांस के करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें करने होने जा रही है, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो आप जरूर से बने रहिए, तो आपको उन सब चीज़ों का एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। और आपको पता भी चलेगा किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके सॉल्व किया जाता है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम गलत समझ रहे थे, कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, 10 सालों से जो मैं कोटा में पढ़ा रहा था ऑफलाइन, अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और दोस्तों अपने ऑफलाइन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। दोस्तों अनअकैडमी प्लस पर आप मेरी क्लासेस कर सकते हैं, वहां पे सुबह केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है 13 के बैच के लिए, 12 के बैच के लिए, जो कि कंप्लीट पूरा इनऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटलर्जी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हाइड्रोजेट्स कंपाउंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये पूरा पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। कब होगा कंप्लीट? दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर या सेकेंड वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास 11 के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए अभी एक खुशखबरी है, उनके लिए आज शाम से ही एक नया बैच चालू हो रहा है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर के एंड तक अपन 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और जनवरी से फिर नया अपन 12th का सिलेबस चालू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लस पर आप मेरी प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, PMS सर के नाम से प्रोफाइल है, वहां पे भी कुछ वीडियोस, छोटे-छोटे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सके, ठीक है ना, और आपको पता चल सके ये टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा शाम को स्पेशल क्लासेस होती है दोस्तों अनअकैडमी पर, ठीक है ना, कई सारी स्पेशल क्लासेस होती है, तो आप उनको भी कर सकते हैं और उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अनअकैडमी प्लस पे किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अनअकैडमी प्लस पे क्लासेस होती है दोस्तों, लाइव क्लासेस के साथ में उन क्लासेस को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो देखो फ़ायदा क्या है, एक तो टीचर सामने बैठा हुआ है, लाइव क्लासेस है, आप डाउट पूछ सकते हो, अलग से डेडिकेटेड डाउट सेशन लगते हैं, एक आपने वीडियो खरीदे जो पहले से रिकॉर्डेड है और आप उनको खरीद के ला रहे हो और देख रहे हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक तो आप लाइव वीडियो देख रहे हो, टीचर से इंटरेक्शन कर रहे हो, साथ के साथ उन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, अपने आप आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा किस में फ़ायदा है। दूसरी चीज़, आपको घर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइव क्लासेस है तो बिल्कुल ऑफलाइन की फील आती है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल दोस्तों घर बैठे पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। तीसरी चीज, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो टीचर लिखता है लाइव क्लासेस में वो PDF में कन्वर्ट हो जाता है, आप उसको डाउनलोड कर लो तो आपके नोट्स भी तैयार हो गए, समझ में आ गई बात। तो दोस्तों इसके अलावा वहाँ पे क्विज़ होते हैं, मेगा क्विज़ होते हैं, और एक सबसे बड़ी चीज़, हर वीक आपको एक टेस्ट मिलता है करने के लिए, जिसमें रैंक भी आती है, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट होता है वो, जिसमें रैंक भी आती है और आपको अपने परफॉर्मेंस एनालाइज करने का पता चलता है कि किस तरीके से अपन अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो टेस्ट होते हैं ये वीक में एक बार, ठीक है ना, वीक में आपको एक बार देखने को मिलेगा और हर वीक होगा, और ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों जो कि आपको फ्री मिलती है, बिल्कुल फ्री मिलती है, जिसके लिए आपको दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अगर लेने हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं अलग से, ठीक है ना। आप सपोज करो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तब भी अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपको अलग से रुपये देने पड़ते हैं, पर यहाँ रुपये देने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों
इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो मात्र अगर आप एक साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं या दो साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो बहुत कम फीस है दोस्तों। वैसे तो एक महीने के लिए अगर जाते हैं तो 5,000 रुपीज़ फीस है। कितनी है? 5,000 रुपीज़। पर अगर आप एक साल के लिए जाएंगे तो लगभग 60,000 हो जाएगी, दो साल के लिए जाएंगे तो 1,20,000 हो जाएगी। पर आप समझिए, अगर आप पूरा दो साल का लेते हैं, आप 10th के स्टूडेंट हैं, आप 11th के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया है टू ईयर वाला अगर आप लेते हैं तो आपकी फीस मात्र 40,000 रुपीज़ है, मात्र 40,000 रुपीज़। और उसमें भी अगर कोड यूज़ करते हो दोस्तों PMS सर, तो आप इस चीज़ को समझो कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो आपकी फ़ीस होनी चाहिए थी 1,20,000 रुपीज़, वो हो चुकी है आपकी 40,000, और उसमें भी 10% का डिस्काउंट लग के आपकी फ़ीस रह गई है 36,000 रुपीज़। तो दोस्तों बहुत ही कम फीस में प्लस की क्लासेस होती है। PMS सर कोड आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। 25,000 रुपीज़ फ़ीस जो है वो 10% डिस्काउंट के साथ में, ये एक साल की फ़ीस है बेटा। और ये है किसके लिए? 12th वालों के लिए और 13th वालों के लिए, ठीक है। और ये हो जाती है 22,500। कितनी हो जाती है? 22,500। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है ना। अनअकैडमी प्लस के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरे को मैसेज करें, मेरी प्रोफाइल में जाके मुझे मैसेज करें, मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, पर्सनल कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज सबसे पहले अपन हीटिंग में पढ़ने जा रहे हैं अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला पार्ट तो जिसके अंदर एनायन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है, है ना। सेकंड एनायन जो कि वीक या नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है ना। और थर्ड जिसमें एनायन जो है कंटेन नाइट्रोजन एटम, एनायन में नाइट्रोजन एटम सेंट्रल एटम है, उस बेसिस पे अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे एक ले लिया अमोनियम डाइक्रोमेट बेटा क्या है? स्ट्रांग एसिड का स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आता है, ठीक है ना, एनायन है उसका। एक और ले लिया अपन ने अमोनियम कार्बोनेट, कार्बन का तो +4 स्टेबल होता है, तो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, अपना रिडक्शन नहीं करवाएगा। एक अमोनियम नाइट्रेट हो गया, इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन हो गया बेटा? नाइट्रोजन हो गया। समझ में आ गई बात? तो स्टार्ट करते हैं हीटिंग। सबसे पहले अपन लिखने जा रहे हैं दोस्तों हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट containing non-oxidizing anion। देखो जैसे अमोनियम क्लोराइड है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग क्यों बार बार अपन बात कर रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पे चार्ज -3 है तो लोएस्ट है, तो वो क्या कर सकता है? ऊपर जा सकता है ना, पर कोई ले जाने वाला चाहिए, कोई ऑक्सीडाइज करने वाला चाहिए, पर यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो नाइट्रोजन -3 का -3 में रहेगा, और -3 में नाइट्रोजन का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? NH3, तो NH3 हो जाएगा गैस, और साथ में क्या? HCl गैस, क्योंकि गर्म कर रहे हैं ना। तो देखो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस निकलेगी, HCl गैस निकलेगी, इसका मतलब कोई रेजिड्यू नहीं मिलेगा, कोई रेजिड्यू मतलब कोई प्रोडक्ट बचेगा नहीं, सॉलिड रखा गर्म किया सब उड़ गया, कुछ भी नहीं बचेगा, समझ गए बात को। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड के बाद में है अपने पास अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे बेटा तो क्या बनेगा? अमोनिया साथ में H2CO3, पर H2CO3 खुद ही अनस्टेबल होता है, वो टूट के क्या देता है? H2O और CO2, यहां पे भी कोई रेजिड्यू नहीं मिलेगा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट उसके बाद में अमोनियम कार्बोनेट के बाद में है अपने पास में
अमोनियम सल्फाइड को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस निकलेगी और साथ में क्या मिलेगा बेटा, H2S। कोई रेजिड्यू नहीं मिलेगा, सब सॉलिड है, ये सॉल्ट है ना बेटा, सॉलिड है सबके सब, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अमोनियम साइनाइड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो भी बनेगा NH3 और HCl, है ना, NH3 और HCl दोनों उड़ जाएंगे गर्म करने पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में एक और ले लेते हैं अपन, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को हीट करेंगे तो NH3 बनेगा और साथ में मिल जाएगा क्या, H2SO4। टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो ये भी डिकम्पोज होगा H2O और साथ में बच जाएगा क्या, SO3। समझ गए, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में अमोनियम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं बेटा, तो बन जाएगा क्या, NH3 प्लस क्या बन जाएगा बेटा, H3PO4। H3PO4 को फर्दर हीट करते हैं तो H2 उड़ जाएगा और HPO3 बन जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है। समझ में आ गई बात। तो ये है हीटिंग किसकी, अमोनियम सॉल्ट्स की, कंटेनिंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, कंटेनिंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन। फिर देखें दोस्तों, अपन ने लिया अमोनियम सॉल्ट कंटेनिंग ऑक्सीडाइजिंग एनायन, बहुत सिंपल हीटिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन। देखो अच्छे से, अमोनियम सॉल्ट लिया, डाइक्रोमेट NH4 होल टूवाइस Cr2O7 लिया, इसको हीट किया, तो डाइक्रोमेट क्या करेगा, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेगा। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो पहले क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जीरो में है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ मतलब उस पर हाइड्रोजन जुड़ा तो बना NH3, तो उल्टा कर दो, NH3 का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, N2। तो सिंपल है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिख दो, सबसे पहले N2 गैस है उड़ जाएगी, एज पॉसिबल वाटर लिख दो तो 2H2O लिख दिया, 4H2O कितना लिख दिया, 4H2O। अब जो बचा है वो एक साथ लिख दो Cr2 और साथ में क्या, O3, तो Cr2O3 सॉलिड में मिल जाएगा, ये दोनों वोलेटाइल मिल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ रेजिड्यू बचेगा, और Cr2O3 कौन से कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का, और अमोनियम डाइक्रोमेट कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का। ये वॉल्केनिक रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, वॉल्केनिक रिएक्शन, समझ गए। जैसे ये लिया अपन ने, यहाँ पे ढेर लिया है किसका, Cr अमोनियम डाइक्रोमेट का, गरम किया अपन ने, तो ये इस तरीके से वेपर्स निकलेगी और वेपर्स के साथ में क्या निकलेगा, Cr2O3, तो Cr2O3 के छींटे पड़ जाएंगे सब तरफ, ठीक है ना, और ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोल देते हैं दोस्तों, वॉल्केनिक रिएक्शन। नेक्स्ट उसके बाद में अमोनियम परमैंगनेट की बात कर रहे हैं, अमोनियम परमैंगनेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, वही अमोनियम परमैंगनेट, परमैंगनेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, तो अमोनिया को ही ऑक्सीडाइज करेगा, तो पहले N2 बना दो, हाफ मोल N2 ले लो, ठीक है, फिर एज पॉसिबल वाटर 2H2O लिख दो, ये भी उड़ जाएगा, और क्या बचा बाद में बेटा, MnO2 बैलेंसिंग के बाद में ब्लैक कलर का रेजिड्यू मिल जाएगा अपन को, ठीक है ना, ब्लैक कलर का रेजिड्यू, MnO2 ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में और देखो बेटा, अमोनियम आयोडेट ले लिया, अमोनियम आयोडेट को हीट किया, अब इसको समझो, अमोनियम आयोडेट को हीट किया तो वही ऑक्सीडाइजिंग है ना, ऑक्सीएनायन है किसका, हेलोजन का, और हेलोजन के ऑक्सीएनायन मतलब हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो कि अनस्टेबल होता है, तो हेलोजन के ऑक्सीएनायन किसकी तरह काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हाफ मोल पहले N2 लिख देते हैं बेटा, 2H2O लिख देते हैं। अब समझना, जो भी कंपाउंड बनेगा नॉन मेटलिक कंपाउंड बनेगा, नॉन मेटल का कंपाउंड बनेगा, नॉन मेटल का कंपाउंड कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो जरा से होते हैं, उनके बीच में कम बॉन्ड होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड, मेटल का कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं इसलिए टूटते नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी मेटल का कंपाउंड बनेगा एज इट इज लिख दो, और जब नॉन मेटल हो तो उनको अलग अलग करके लिख दो, जैसे मतलब यहाँ लिख देंगे अपन हाफ ऑफ I2 प्लस हाफ ऑफ O2 हो गई बैलेंस, अलग करके लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बैलेंसिंग हो गई, अमोनियम परक्लोरेट, अब प्रिडिक्ट करो अमोनियम परक्लोरेट को कैसे हीट करेंगे, अमोनियम परक्लोरेट को हीट करेंगे तो हाफ ऑफ N2 साथ में क्या मिल जाएगा बेटा,
2H2O और साथ में क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ Cl2 प्लस O2, इस तरीके से लिख देंगे बैलेंसिंग के। क्लियर? सबसे पहले जब भी अपन देखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग तो अपन क्या करेंगे, पहले N2 बना देंगे, एज पॉसिबल वाटर लिख देंगे। आयनिक कम मेटल है तो पूरा का पूरा लिख देंगे, नॉन मेटल है तो तोड़ के लिख देंगे, खत्म, सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में और देखो, अमोनियम सॉल्ट विथ एन आयन हैविंग नाइट्रोजन एटम, बहुत सिंपल है ना। देखो जैसे लिखा अपन ने, अमोनियम नाइट्राइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, यहाँ पे कितनी +3, -3 और +3 दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब मिक्स करेंगे तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, दिस इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेशन, समझ गए ना। तो -3 और +3 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, N2 और साथ में क्या मिल जाएगा, 2H2O। क्लियर इतनी बात, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट उसके बाद में अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो क्या बन जाएगा, -3 प्लस 5 का एक प्रोडक्ट कौन, N2 के बाद में क्या, N2O, कैसे, -3 प्लस 5 / 2 = +1 और +1 में नाइट्रोजन क्या बनाएगा, N2O, कैसे याद रखें, बहुत सिंपल, नाइट्रोजन पे बेटा प्लस चार्ज आ रहा है तो इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा तभी तो प्लस आएगा ना, कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, प्रोडक्ट बना लो N2O। याद रखने का तरीका है, ऐसे नहीं होता है पर ये याद रखने का तरीका है। तो नाइट्रोजन का N2O, साथ में क्या, 2H2O, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो बन जाएगा क्या, N2, साथ में क्या, हाफ ऑफ O2, समझ गए। नेक्स्ट उसके बाद में अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोजिव है, क्या ये एक्सप्लोजिव है बेटा, क्योंकि बहुत सारे गैसेस मोल्स मिलते हैं उसको हीट करने पे, तो जब एक क्लोज कंटेनर के अंदर अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बहुत सारे गैसेस मोल बनेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सप्लोड हो जाएगा, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को एक्सप्लोजिव बोलते हैं, बाजार में डायरेक्टली नहीं मिलता, बैन लगा हुआ है, समझ गए बात को, ठीक है। उसके बाद में अमोनियम एजाइड की बात करते हैं, ये बहुत बढ़िया हीटिंग है, देखो यहाँ -3 है और एजाइड पे -1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि -3 -1 कितने पे, चार पे, एक और तीन, चार पे -3 और -1, इस तरीके से क्या आ जाएगा, -1 आ गया तो नाइट्रोजन पे चार्ज -1 है तो उसके वो साथ क्या जोड़ोगे, माइनस लाने के लिए हाइड्रोजन जोड़ोगे तो NH, वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, डाइमराइज करा दो तो बन गया क्या, N2H2, क्या बन गया, N2H2, सिंपल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है, करें स्टार्ट। नेक्स्ट तो अमोनियम सॉल्ट हो गया है अपना, कौन सा हो गया दोस्तों, अमोनियम सॉल्ट हो चुका है, कंप्लीट है, अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग कंप्लीट है, कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर। अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों ऑक्साइड्स की समझना पहले ज़्यादा जरूरी है। ऑक्साइड क्यों समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑक्सी सॉल्ट की हीटिंग लिखोगे, ऑक्सी एसिड ऑक्सी सॉल्ट की हीटिंग लिखोगे तो उसमें ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, तो वो ऑक्साइड स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, यही तो समझना है अपन को सबसे पहले। चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या, ऑक्साइड्स की हीटिंग जो है वो अपन रिएक्टिविटी सीरीज से समझ सकते हैं, ठीक है ना, एज रिएक्टिविटी इंक्रीजेस ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीजेस, ठीक है ना, जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ेगी, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। AU एंड PT तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते ही नहीं है, मतलब इनके ऑक्साइड ही नहीं मिलते हैं, समझ में आ गई बात, मिलते तो वो तो हाथों हाथ ही डिकम्पोज हो जाते क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। सिल्वर रिएक्शन करके Ag2O बनाता है, Hg रिएक्शन करके HgO बनाता है, ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीकम्पोज होके क्या देता है बेटा, Ag+O2, ये देता है Hg+O2, समझ में आ गई बात, ठीक है ना, बहुत सिंपल है।
ठीक है ना, ये हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, हायर ऑक्साइड्स जैसे कि PbO2, PbO3 क्या होता है बेटा, PbO.PbO2 या फिर Pb3O4 ले लो, Pb3O4 भी क्या होता है बेटा, 2PbO.PbO2, इसमें भी PbO2, इसमें भी PbO2, ये खुद PbO2 हायर ऑक्साइड है। Pb की प्लस फोर अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है तो डिकम्पोज होकर क्या देगा, ये PbO+O2, ये क्या देगा PbO+O2, और ये क्या देगा PbO+O2, सेम प्रोडक्ट देंगे क्योंकि हायर ऑक्साइड है, Pb की प्लस फोर अनस्टेबल है, तो हायर वाला किस में जाएगा, लोअर वाले में जाएगा, समझ गए। CrO3 क्रोमियम प्लस सिक्स में, हायर वाला किस में जाएगा, लोअर में, क्या बनेगा Cr2O3 और साथ में क्या O2, क्रोमियम की प्लस थ्री कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे लिख सकते हैं। Mn2O7 ले लिया बेटा, Mn2O7 ये हीट करने पे किस में जाएगा, MnO2 साथ में क्या O2, MnO2 फर्दर हीट करने पे जाता है किस में, Mn3O4 साथ में O2, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, काम आएगी आगे, बिल्कुल आएगी। चलो और देखते हैं ऑक्साइड में और क्या केस है, ठीक है ना, इस तरीके से हायर ऑक्साइड किस में चले जाते हैं, लोअर ऑक्साइड में। CuO लो रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से कम है रिएक्टिविटी, कॉपर 2+ सॉलिड है, पानी में नहीं है, सॉलिड है, गर्म कर रहे हैं, सब सॉलिड स्टेट में, पानी में किसी को हीट नहीं कर रहे, ठीक है ना। CuO लिखा, CuO को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Cu2O+ ½ O2, ये लगभग 1000-1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, समझ गए, 1000-1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ऐसे नहीं होगी, सिंपल ही नहीं होगी, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में और देखो ZnO सॉलिड को गर्म करते हैं तो ZnO सॉलिड ही रहता है, पर यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है, वाइट कलर का ZnO कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, येल्लो कलर के अंदर, और ठंडा करने पे वापस ZnO सॉलिड बन जाता है वाइट कलर का ऑन कूलिंग, ठीक है, ऑन कूलिंग। क्या चक्कर है, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कौन से डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से। तो Zn क्या होता है, यहां समझो, ये Zn2+ O-2 Zn2+ ये O-2 Zn2+ O-2 इस तरीके से लैटिस बना हुआ है। जब आप इसको गर्म करते हो ना बेटा, तो इसकी हाफ ऑफ ऑक्सीजन निकल जाती है, हाफ ऑफ O2 की फॉर्म में। अब जो बचता है Zn2+ O तो रहा ही नहीं, यहाँ क्या रहा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रहे, और Zn2+ O-2 Zn2+ O-2 वाइट कलर क्यों आ रहा था, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल नहीं था। चार्ज ट्रांसफर क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि Zn2+ की बेटा पोलराइजिंग पावर कम होती है, तो O-2 से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा था। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन किसी ने पकड़ नहीं रखा है तो वो घूमेगा, ट्रांजिशन होगा तो कलर आएगा, ठंडा करेंगे तो वो वापस क्या करेगा, हाफ ऑफ O2 एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर ट्रांजिशन रुक जाएगा तो वाइट कलर का हो जाएगा, सिंपल एकदम। फिर उसके बाद में और समझना, और अच्छे से समझना कि O-2 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, O-2 की बात कर रहे हैं, तो O-2 यहाँ पे कम हो गए, किसके कंपैरिजन में, जिंक के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा क्या है, जिंक है। ऐसे इफेक्ट डिफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ऐसे ही PbO होता है बेटा, PbO रेड कलर का होता है, जिसको लिथार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिथार्ज। ये गर्म करने पर PbO मैसीकॉट के अंदर जाता है, मैसीकॉट, और ये येल्लो कलर का होता है, और ये होता क्यों है, गर्म करने पे चेंज इन स्ट्रक्चर हो जाता है और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से है ना डिस्टेंस चेंज हो जाती है, और डिस्टेंस चेंज होते ही कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन चेंज हो जाते हैं, समझ में आ गई बात। तो ये रीज़न क्या है इसका रीज़न क्या है इस पर्टिकुलर का, डिस्टेंस चेंज होना, स्ट्रक्चर चेंज होना, जबकि यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, समझ गया। तो ये हीटिंग ऑफ ऑक्साइड हो गया। अब चलते हैं अपन हीटिंग ऑफ
ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड। यहां पे अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, एक पार्ट तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले और दूसरा लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। ये अपन पढ़ चुके हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर, आप लोगों को याद हो तो, तीन पुलिस एक चोर दोनों नालायक करे जोर से शोर, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और उसके नीचे की बात करें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, ये वाली बात करें तो इसकी हीटिंग आज पढ़ेंगे, ये अपन पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पार्ट टू के अंदर देख सकते हैं, ठीक है ना। पार्ट टू या पार्ट वन के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चलें सबसे पहले, तो अपने पास है H2CO3, यहीं से स्टार्ट करते हैं। H2CO3 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, H2CO3 को हीट करेंगे तो बेटा H2O प्लस CO2, है ना। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को क्या पानी निकालना, मैक्सिमम में है तो डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं होंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिहाइड्रेट कर दो, मैक्सिमम के प्रोडक्ट आ जाएंगे। जैसे सेकेंड लिया अपन ने H2SO4, H2SO4 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, H2O प्लस SO3। SO3 बेटा तीन फॉर्म में मिलती है, अल्फा बीटा और गामा। गामा फॉर्म H3O9 फॉर्म होती है और अल्फा बीटा जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म होती है, ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड लेते हैं अपन HNO3। अब HNO3 को डिहाइड्रेट करेंगे तो पहले मिलेगा क्या, H2O, साथ में क्या N2O5 मात्र 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होके देता है क्या, NO2 प्लस हाफ O2। तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन देता है, इस वजह से HNO3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। SO3 की बात करें तो SO3 फर्दर हीट करने पे कब, ग्रेटर देन 800, SO2 प्लस हाफ O2 के अंदर चला जाता है, SO2 प्लस हाफ O2 के अंदर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में फोर्थ है HClO4। HClO4 को हीट करेंगे दोस्तों क्या मिलेगा, H2O प्लस Cl2O7। अपने को क्या, पानी निकालना, सिंपल, डिहाइड्रेट कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ के बाद में फिफ्थ की बात कर रहे हैं, HClO4, HNO3, H2SO4, H2CO3 के बाद में नंबर आता है किसका, H3PO4 का। H3PO4 के अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आप प्रिडिक्ट करें, मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो P4O10 आएगा क्योंकि पूरा पानी निकालने के बाद तो P4O10 ही मिलेगा। दो प्रोडक्ट लिखते हैं, दो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं दोस्तों, देखो दो प्रोडक्ट है, एक तो H4P2O7 और एक HPO3। सोचो पहले किसको लिखेंगे, सोचो फटाफट से, सोचो जल्दी से, चलिए देखें तो क्या आंसर आएगा बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे आपने इधर लिखा H4P2O7 और इधर क्या लिखा हुआ है, HPO3। तो देखें आप, यहाँ पे एक फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितनी है, एक है, यहाँ पे एक के रेस्पेक्ट में दो हैं, है ना। तो एज पॉसिबल वाटर से आंसर आ जाएगा, इसमें पानी ज़्यादा है और इसमें पानी कम है, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे पक्की बात। तो H3PO4 को पहले कर्म किया तो पहले कम पानी निकला, कम पानी निकला तो जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा पानी वाला होगा, और ज्यादा पानी वाला मतलब H4P2O7, और यहां आ जाएगा बेटा क्या, HPO3। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करना, देखें क्या लिखते हो। H3BO3 को हीट किया है ना, एक्स मिला, एक्स को हीट किया तो वाई मिला, और वाई को हीट किया तो B2O3 मिला।
तो x कोमा y आर रेस्पेक्टिवली फर्स्ट एच बी ओ टू कोमा एच टू बी फोर ओ सेवन सेकेंड एच टू बी फोर ओ सेवन एच बी ओ टू थर्ड एच बी ओ टू एंड एच फोर बी टू ओ सेवन फोर्थ एच टू बी फोर ओ सेवन एंड एच फोर बी टू ओ सेवन चलो सोचो क्या आएगा फटाफट से सोचो 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 जल्दी से सोचो देखें हो गया तो देखें अपने पास पहले ज्यादा पानी वाला फिर कम पानी वाला होना चाहिए यही समझ में आ रही है बात ट्रिक यही थी अपनी अब इसमें देखो आप एक बोरोन के रेस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन और एक बोरोन के रेस्पेक्ट में आधा हाइड्रोजन तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है ठीक है फिर देखो क्योंकि ये ज्यादा पानी वाला ये कम पानी वाला ये कम पानी वाला ज्यादा पानी वाला नहीं होगा ये कम ये ज्यादा नहीं होगा ये कम ये ज्यादा नहीं होगा तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा समझ में आ गई बात बहुत सिंपल है हीटिंग ऑफ क्या हो चुके हैं बेटा हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड कंप्लीट हो चुके हैं अब चलते हैं अपन नेक्स्ट हीटिंग ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट हीटिंग ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट बहुत सिंपल देखो फॉस्फेट सॉल्ट जो है वो तीन तरह के होते हैं एक तो देखो H3PO4 है ना बेटा इसमें से H प्लस निकाला एक निकला तो बना H2PO4 नेगेटिव एक और निकला तो क्या बना HPO4 2 नेगेटिव एक और निकला तो क्या मिला PO4 3 नेगेटिव समझ गए क्लियर तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हीटिंग ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट की बात कर रहे हैं H3PO4 में से एक H प्लस निकलेगा फिर दूसरा फिर तीसरा H प्लस निकलेगा ठीक है यहाँ से अपन बात करें तो करना क्या है ये समझो फॉस्फेट जो होते हैं उसका जो एनायन है मतलब एक तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया दूसरा इसका जो ऑक्साइड है P4O10 नॉन वोलेटाइल है वो क्या है नॉन वोलेटाइल वो उड़ेगा नहीं तो वहीं पड़ा रहेगा तो वो वापस से रिएक्शन कर लेगा ऐसे समझो मैंने लिया Na3PO4 चलो हीट करने की कोशिश करते हैं तो बनाया मैंने Na2O ये सॉलिड है वहीं पड़ा रहेगा ये P4O10 है वहीं पड़ा रहेगा ठीक है ये रिएक्शन करी तो ये वापस से रिएक्शन कर जाएंगे क्योंकि एक बेसिक है दूसरा एसिडिक है तो ये वापस से रिएक्शन करके ये दे देंगे तो गर्म करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ अपन को कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ही नहीं मिला डिफरेंट प्रोडक्ट ही नहीं मिला तो अपन लिख देंगे यहाँ पे नो रिएक्शन क्या लिख देंगे नो रिएक्शन इसको जब गर्म करते हैं तो नो रिएक्शन क्योंकि P4O10 या P2O5 नॉन वोलेटाइल है P4O10 या P2O5 नॉन वोलेटाइल है समझ गए बात को अब देखो इसको ढंग से मैंने लिया तो अपन को क्या करना है कि ऑक्साइड तो बनाना ही नहीं है अपने को क्या करना है हीटिंग ऑफ फॉस्फेट में ध्यान रखना है डिहाइड्रेट करो डिहाइड्रेशन गर्म करने पे क्या करना है डिहाइड्रेशन समझ गए ना अपने को क्या पानी निकालना अगेन फॉस्फेट सॉल्ट में भी यही करना है देखो सबसे पहले Na3PO4 लिया कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कोई पानी निकलेगा ही नहीं Na2HPO4 लिया अब इसके एक में से तो पानी नहीं निकलेगा तो दो मोल लेने पड़ेंगे तो क्या बन जाएगा Na4P2O7 और साथ में पानी करना कुछ नहीं है पहले पानी निकालो बाकी जो बचे वो एक साथ लिख दो सिंपल फिर लिया अपन ने Na2HPO4 इसको हीट किया तो वाटर हटा तो क्या बना NaPO3 और साथ में क्या H2O
तो यहां बन जाएगा डाइफॉस्फेट, है ना बेटा, और यहां पे बन जाएगा क्या, मेटाफॉस्फेट। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट देखो, और लेते हैं अपन मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट इसको हीट करते हैं। अभी हाइड्रोजन दिख रही है क्या आपको, निकलने वाली हाइड्रोजन, बिल्कुल है, ऐसे समझो। पहले तो फॉस्फेट, फॉस्फेट जो है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो गर्म करने पे इसको अमोनिया ही निकालेंगे। तो पहले तो अमोनिया निकाल दो, येल्लो अमोनिया निकली तो एक हाइड्रोजन बचा ना, एक हाइड्रोजन बचा तो एक से वाटर नहीं निकलेगा, कितने से निकलेगा, दो से, तो इसके दो मोल ले लो, ठीक है ना। तो दो मोल अमोनिया, एक मोल वाटर निकाल दो, बाकी जो बचे एक साथ लिख दो, बाकी क्या बचा, Mg2P2O7। समझ गए तरीका, क्लियर है। पहले देखो अमोनियम सॉल्ट है तो हीट करेंगे तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया उड़ा दो, अमोनिया उड़ाते ही एक हाइड्रोजन बची, एक हाइड्रोजन से वाटर नहीं निकलेगा, तो दो हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, दो हाइड्रोजन के लिए दो मोल, दो मोल लिए तो 2MgNH4PO4 बन गया, ठीक है ना। अब इससे क्या करना है, अपन को वाटर निकालना है, तो वाटर निकल गया, बन क्या गया, Mg2P2O7, सिंपल। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, चलो इसकी हीटिंग लिखो, कोशिश करो ढूंढो कितनी हाइड्रोजन निकाल सकते हो वाटर के लिए, जल्दी से इसकी हीटिंग लिखो। हो गया, देखें सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो निकलेगा क्या बेटा, वाटर, और क्या निकलेगा, अमोनिया, है ना। अब क्या बचा, NaPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो मेरे ख्याल से सिंपल है, समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना, सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये थी हीटिंग किसकी, अमोनियम फॉस्फेट सॉल्ट की, किसकी, फॉस्फेट सॉल्ट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, हीटिंग ऑफ सल्फेट, हीटिंग ऑफ सल्फेट, सल्फेट की हीटिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने पास CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O को गरम करेंगे तो इसमें क्या, अलग अलग स्टेप में वाटर निकलता है, ठीक है। वैसे तो सिंपल दिख रहा है कि CuSO4 बना दो और साथ में वाटर को उड़ा दो, ठीक है, पर इसमें क्या है, वाटर भी अलग अलग स्टेप पे निकलता है। अगर मैं इसका जुगाड़ वाला स्ट्रक्चर बनाऊँ, जुगाड़ नहीं, ओरिजिनली बनाएंगे Cu2+OH2, OH2, O-, SO-, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है ना। ऐसे यहां पे भी जोड़ेंगे अपन, ये दूसरी तरफ जुड़ा के जुड़ जाएगा, ये एच बॉन्डेड है ना, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले हैं। अब गर्म करना चालू किया, तो इसको ऐसे याद रखो कि जो जितने कम से अट्रैक्टेड है वो उतनी जल्दी निकलेगा, ये एक से ही अट्रैक्टेड है, तो पहले क्या बनेगा, ये दोनों निकलेंगे पहले, तो क्या बनेगा, CuSO4.3H2, याद रखने का तरीका है, ठीक है।
फिर उसके बाद में ये दोनों दोस्त दो दो से अट्रैक्टेड है, ये चार चार से अट्रैक्टेड है, तो पहले फिर क्या बनेगा CuSO4.H2O और फिर हीट करने पे CuSO4, इस तरीके से आएगा, समझ गए। CuSO4 फर्दर हीट करने पे देता है क्या CuO, साथ में क्या SO3 ब्लैक कलर का CuO, CuO फर्दर हीट करने पे क्या देता है बेटा Cu2O, साथ में O2 पढ़ाया था ना, ठीक है। पर जिस टेम्परेचर पे CuO टूटता है उस टेम्परेचर पे SO3 टूट चुका होता है, इसलिए यहाँ पे SO2 भी लिख लो और O2 लिख लो साथ में, बैलेंसिंग का प्रोडक्ट, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा, बहुत सिंपल है। CuSO4.5H2O ओरिजिनल स्ट्रक्चर का ध्यान रखें, ठीक है। इसका जुगाड़ वाला स्ट्रक्चर भी बनता है पर वो गलत स्ट्रक्चर है, कई लोग ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाते हैं बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, है ना, ये एच बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4 एच बॉन्ड है, ठीक है, जुगाड़ वाला है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये गलत स्ट्रक्चर है, बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 4 नहीं होता है, ध्यान रहे इस चीज का। नेक्स्ट चलते हैं FeSO4 पे, चलो FeSO4.7H2O, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन विट्रॉल, है ना, इसको गर्म करते हैं तो FeSO4 बनता है और साथ में H2O बनता है, अच्छे से समझना, उड़ जाएगा, FeSO4 बनेगा, ठीक है। अब FeSO4 जो है वो वाइट कलर का होता है, कलर वाटर की वजह से आता है, वाटर उड़ी गया, अब इसको गर्म किया, अच्छे से समझना, Fe+2+3 में जा सकता है, नहीं जा सकता है, जा सकता है, तो Fe+2+3 में जा सकता है और ले जाने वाला भी है, कौन है, SO3 है ना, SO4-2- ऑक्सीडाइज कर देगा, गर्म करने पे ऑक्सीजन मिलेगी, वो ऑक्सीडाइज कर देगा, तो मिल गया Fe2O3 और SO2 का रिडक्शन होगा, SO2 मिल जाएगा अपन को, SO3 का रिडक्शन होगा तो SO2, ठीक है। अब समझना, बैलेंसिंग करते हैं, तो Fe2O3 हो गया, SO2 हो गया, अब देखो आप बचा क्या इसके अंदर, SO3, तो SO2 भी मिलेगा और SO3 भी मिलेगा, SO3, ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं वापस से, SO2 एंड SO3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट और देखो, अगर मैं लिखता Fe2SO4 होल थ्राइस, तो ये पहले से ही +3 में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Fe2O3 और साथ में SO3 मिल जाता, पर अगर यही रिएक्शन ग्रेटर देन 800 पे हो जाती तो फिर Fe2O3 और SO3 टूट के क्या दे देता, SO2+0.5O2 दे देता, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Cr2SO4, तो क्रोमियम अभी +2 में है, ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, +3 में, तो क्या लिख देंगे, Cr2O3, तो 1 मोल से काम नहीं चलेगा, 2 मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे तो Cr2O3 हो गया, सल्फर रिड्यूस होके SO2 बचा क्या, SO3 लिख दिया बेटा, ठीक है। फिर देखो एक बेहतरीन रिएक्शन, SnSO4 लिया, SnSO4 को हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे, SnSO4 को हीट करेंगे, तो SnSO4 में क्या आ जाएगा, SnO2, क्योंकि टिन +2 से किस में चला जाएगा, +4 में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब SO3 का क्या हुआ, SO3 मिलना चाहिए था पर रिड्यूस होके क्या मिलेगा, SO2। अब रिएक्शन को देखो, बैलेंस है या नहीं है, या कुछ ऐड करने की जरूरत है, बैलेंस है, बैलेंस है तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम खत्म, सारा काम खत्म हो गया अपने आप ही, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो SnSO4 चला जाएगा SnO2+SO2 के अंदर, क्लियर, कोई डाउट। अब दो इंपॉर्टेंट इसी में सल्फेट में ही चलते हैं, सल्फाइड की तरफ, देखो सल्फाइड अच्छे से समझना बेटा, Na2SO3 को हीट करेंगे तो अस एसिड है, कौन सा एसिड है, अस, ठीक है, अस को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Na2SO4 मिल जाएगा, मिल जाएगा एक, ठीक है। अब वैसे 3 पुलिस एक चोर के हिसाब से चले तो सल्फर मिलेगा और साथ में Na2O मिलेगा, है ना, बैलेंसिंग करते ही, पर Na2O तो बेस है
और सल्फर क्या है, सल्फर नॉन मेटल है और नॉन मेटल और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो ये तो मिलना ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे Na2SO4 तो मिलेगा और साथ में मिलेगा बेटा क्या Na2S, क्या मिल जाएगा Na2S, क्योंकि सल्फर का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, हायर और लोअर में जाएगा, ये लोअर वाला हो गया और ये हायर वाले बैलेंसिंग में कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट Na2S2O3 को हीट किया तो देखो क्या मिलेगा Na2S5 और साथ में Na2SO4, ऐसा क्यों, बहुत सिंपल है याद रखने का तरीका, Na2SO3 में सल्फर ऐड किया तो Na2S2O3 बन जाएगा, ठीक है, और Na2S में सल्फर ऐड किया बेटा तो Na2S5 बन जाएगा, सिंपल। इस तरीके से जब Na2S2O3 को ऐड करते हैं तो Na2S5 प्लस Na2SO4 मिल जाता है, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात, सिंपल है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान दें चीज़ों की तरफ, ईजीली होती चली जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत आए तो आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर से आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।